इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मिशन 25 तय किया है, लेकिन क्या बीजेपी के दिन अच्छे नहीं चल रहे? क्या बीजेपी के नए ऑफिस में हमन की जरूरत? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमित शाह बीमार हैं, अरुण जेटली बीमार हैं, अनंत कुमार और अटल बिहारी जी का देहांत हो गया। कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाते बनाते रह गई और 3 राज्यों में चुनाव हारकर सत्ता गंवा दी, लेकिन क्या इनसे उभरने के लिए बीजेपी ने 14 सूत्री कार्यक्रम बनाया है? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए बीजेपी में आखिर चल क्या रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने देश के 3 राज्यों में हार की समीक्षा के बाद हर हाल में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जब रोड मैप बनाया तो उन्होंने युवाओं को केंद्र बिंदु रखा और इसी के चलते निर्णय लिया गया कि पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए विजय संकल्प अभियान चलाएगा। बीजेपी जीत का 14 सूत्रीय कार्यक्रम, युवा मोर्चा 2 मार्च तक 14 सूत्रीय कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रदेश के युवाओं तक केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम होगा। कार्यक्रम के जरिए युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की योजना भी बनाई जाएगी। इन कार्यक्रमों में नेशन विद नमो, यूथ पार्लियामेंट, कमल कप प्रतियोगिता, यूथ आइकॉन नेटवर्क, कैंपस एम्बेसडर, कमल युवा महोत्सव, विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन, कमल संदेश महारैली, युवा टाउन हॉल प्रमुख है। इनके अनेक कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र आधारित कार्यक्रम है। 2 मार्च को होने वाली कमल संदेश मोटरसाइकिल महारैली पूरे देश में एक साथ संपन्न होगी। रैली में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से न्यूनतम 500 मोटरसाइकिलों की रैली निकलेगी। भाजुमो के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर और लोकसभा चुनाव संयोजक अचल सिंह मेड़तिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने जोधपुर के विभिन्न वार्डो में इस अभियान को लेकर काम शुरू कर दिया है। जोधपुर में IT सेल भी जिस तरह से सक्रिय हुआ है उसमें व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक और ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक बीजेपी के कार्यक्रमों को प्रचारित किया जा रहा है और आगे भी लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। पार्टी ने युवा मोर्चा को आगामी लोकसभा चुनाव तक प्रमुख रूप से 14 कार्यक्रम दिए हैं। युवा वॉलंटियर्स है, कमल संदेश यात्रा है, वाहन रैली है, युवा महोत्सव कार्यक्रम है। हर जो मुद्दा है, हर मुद्दे के बारे में समझाया कि हमको किस तरीके से फील्ड में जाना है, किस तरीके से हमको काम करना है और हम लोग कैसे अब की बार फिर मोदी सरकार ये टैगलाइन दिए और जहाँ तक मजबूत सरकार आपको चाहिए तो मजबूत के लिए हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती दे सकता है। कांग्रेस के वगैरह ट्वीट आते हैं तो उनका जवाब भी हम देते हैं और जो उनके पॉइंट्स हम पकड़ के वापस उनका जवाब भी हम आगे वैसे उनको देते हैं कि उन्होंने इसका इस पॉइंट का ये जवाब है। इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से और हमारी टीम भी बहुत अच्छे वर्क कर रही है, रात दिन हम लगे हुए हैं IT टीम और उसका जवाब हम दे रहे हैं। जोधपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा गढ़ बना था। 10 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी और जोधपुर संभाग की 4 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा था, मगर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 7 सीटें मिली और 1 सीट निर्दलीय के खाते में जाने से बीजेपी को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस करारे जवाब के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर फिर से उठ खड़ी हुई है, जिसमें हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में दिया गया मूल मंत्र काफी अहम काम करेगा। 14 कार्यक्रम जो है युवा मोर्चा की टीम को दिए गए हैं और जिस तरीके से मार्च तक ये स्थिति इतनी मजबूत कर लेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि IT सेल जो है उसको सक्रिय कर दिया गया, ट्विटर का जवाब, फेसबुक का और व्हाट्सएप पे ये जो जवाब देने के लिए योद्धाओं की टीम जो है वो तैयार होनी शुरू हो गई है और ऐसा हो भी सकता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसी ही टीम मुकाबले में सामने खड़ी करनी पड़े। मौनी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।